हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम सो फ्रेंड्स दिवाली आने वाली है और आप भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपका वेट लॉस हो जाए क्योंकि दिवाली में भी आपको तो काफी कुछ खाना है और इतनी सारी घी वाली चीजें बनती है मिठाई वगैरह बनती है तो वो भी आप लोगों को खाना होगा तो लेकिन अगर आपकी पहले से ही बड़ी हुई है वेट अगर आपका बढ़ा हुआ है वजन बढ़ा हुआ है या आपकी बहुत ज्यादा शरीर में चर्बी जमी हुई है उसके ऊपर अगर आप घी मिठाई वाली चीजें खाएंगे तो फिर और ज्यादा वजन बढ़ जाएगा तो क्यों ना इन दस दिन में दिवाली आने से पहले के इन दस दिनों में अगर थोड़ा सा आप अपना वजन कम कर सके तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है तो आज मैं आप लोगों को ऐसा एक डाइट बताऊंगी ये दस दिन का डाइट है इस दस दिन के डाइट में अगर आप ये दस दिन ये वाला डाइट करते हैं तो कम से कम दस किलो तक वजन आप घटा सकते हैं इन दस दिनों में यानी पर डे एक के जी या एक किलो तक वजन आप घटा सकते हैं तो ये कौन सा डाइट है और किस तरह से इसको खाना है किस तरह से मेंटेन करना है चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ फ्रेंड्स जैसा कि पिछले वीडियो में इससे पहले वाला जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज बताया था कि कौन सा एक्सरसाइज करना है इन दिवाली के इन दिवाली आने से इन दस दिन पहले मतलब दिवाली से पहले के ये जो दस दिन है इनमें अगर आप वो वाले एक्सरसाइजेस करते हैं तो बहुत जल्दी दस दिन में दस किलो वजन घटा सकते हैं आप यानी एक दिन में एक किलो वजन तक घटा सकते हैं आप तो वो एक्सरसाइजेस आपको रेगुलर करने होंगे दस मिनट तक सुबह खाली पेट और एक्सरसाइज को करने से पहले आपको दो ग्लास पीना होगा गुनगुना गर्म पानी तो ये तो मैं पिछले वीडियो की बात कर रही हूँ और हाँ उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और हाँ मैं अपने एंड स्क्रीन में भी दे दूंगी इस वीडियो के जिससे कि आप लोग देख ले कि आपको कौन सा एक्सरसाइज करना है और उस एक्सरसाइज के साथ ही साथ 10 दिन तक आपको ये वाला डाइट भी फॉलो करना है जो मैं आज अभी बताने वाली हूँ जी हाँ ये डाइट अगर आपने फॉलो कर लिया तो हंड्रेड परसेंट दिन में दस किलो तक वजन आप घटा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सुबह से शुरुआत करते हैं सुबह से आप क्या खाना शुरू करेंगे और रात तक आप क्या खाएंगे जिससे आपका दस दिन में दस किलो वजन घट जाए जल्दी से सुबह उठते ही सबसे पहले आपको दो ग्लास गर्म गुनगुना पानी पी लेना है और ये गरम गुनगुना पानी दो ग्लास पीने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है जो कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था तो इस तरह एक्सरसाइज से पहले आप दो ग्लास गुनगुना गरम पानी पी लीजिए एक्सरसाइज करने के बाद आपको लेना है आलमंड यानी बादाम आठ से दस बादाम ले लीजिए और एक कप ग्रीन टी लेना है इस तरह से पी लीजिए अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की तो ब्रेकफास्ट में जो है आपको बनाना है एक पनीर का पराठा लेकिन पराठा जो है वो गेहूँ के आटे का बनेगा मैदे का नहीं बनेगा और पनीर जरूर से ज़रूर उसमें डालना होगा और साथ में आप प्याज वगैरह जो भी आपके टेस्ट के हिसाब से मसाले वगैरह डाल सकते हैं लेकिन गेहूं के आटे का बनाइए और साथ में पनीर ज़रूर डालिए और एक पराठा बनाकर आपको सिर्फ इसी को खाना है ब्रेकफास्ट में इसके बाद आपको ले लेना है नींबू और अदरक गर्म पानी में डालकर नींबू का रस और अदरक का रस आपको एक एक चम्मच एक ग्लास गर्म पानी में डालकर इसे पी लेना है अब आती है लंच की बारी तो लंच में आपको लेना है भिगोया हुआ मूंग दाल छिलके वाली मूंग की दाल और एक बड़ा एप्पल लेना है तो लंच में आपको सिर्फ इतना ही खाना है और जो लोग वेजिटेरियन हैं, वो लोग मूंग दाल ऐसी इस, इसी तरह से भिगोया हुआ खाएंगे और साथ में खाएंगे सिर्फ एक एप्पल और कुछ नहीं खाना है और जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग काबली चना उब, उबला हुआ साथ में थोड़ा सा खीरा टमाटर या प्याज डालकर खा लेंगे और एक उबला हुआ अंडा खा सकते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये सिर्फ लंच होगा लंच में आपको इतना ही खाना है और इसके बाद फिर आपको एक ग्लास गर्म पानी में एक चम्मच अदरक का रस और एक चम्मच नींबू का रस मिलाकर लंच के बाद ही आपको ये भी खा पी लेना है तो इस तरह से ये आपके फैट को काटेगा इसके बाद बारी आती है डिनर की तो डिनर में आपको लेना है जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो अंडे की भुर्जी बनाएंगे इस तरह से सब्जियां डाल के और सलाद खाएंगे इसमें दो अंडे हैं दो अंडे की भुर्जी बनाएंगे और साथ में ए, एक सलाद बनाकर खा लेंगे और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो कावली चने की सब्जी बनाएंगे और साथ में सलाद खाएंगे तो तो आ, और यहाँ काबली चना सिर्फ पचास ग्राम ही लिया है पचास ग्राम काबली चने की सब्जी बनाएंगे कोई आलू वगैरह नहीं डालना है बस नॉर्मल ऐसी सब्जी आप बनाएं और खा लीजिए और रात को सोने से पहले जीरा और अजवाइन का पानी उबाल कर आपको पी लेना है तो ये पूरी रात जो है आपके वजन को कम करने में और आपके फैट को काटने में मदद करेगी तो रात को सोने से पहले आपको जीरा और अजवाइन उबाल लेना है और फिर उसको हल्का गुनगुना गर्म ही आपको पी लेना है तो इस तरह से ये डाइट आपको 10 दिन फॉलो करना है इससे आपका काफी हद तक वजन कम हो जाएगा सो so फ्रेंड्स आपने देख लिया क्या करना है आपको जी हाँ इसी तरह से बिल्कुल सुबह से सुबह के बाद आपको एक्सरसाइज करने के बाद इस तरह से आपको पूरा रूटीन चलना है और रात तक यही करना है और इस ये जो डाइट है इसको आपको 10 दिन तक फॉलो करना है 10 दिन तक बिल्कुल इस तरह से फॉलो कीजिए और प्लीज कोई ऐसा कमेंट मत कीजिए कि मैं ये डाल के खा लू मैं वो डाल के खा लू मैं ऐसा खा लू मैं वैसा खा लू ऐसा कुछ नहीं करना है ये दस दिन आपको बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करना है तो देखिए दस दिन में आपको हंड्रेड रिजल्ट मिलता है या नहीं बिल्कुल मिलेगा और हंड्रेड रिजल्ट मिलेगा सो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा इन दोनों वीडियो को फॉलो करके देखिए दस दिन में दस किलो वजन आपका जरूर से जरूर घट जाएगा सो फ्रेंड्स so अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे आप लोगों के साथ इसी तरह के अच्छे अच्छे हेल्पफुल वीडियोस मैं शेयर कर सकूं और आप लोगों को इससे फायदा मिल सके सो so फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक यू एंड बाय बाय